जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 इंटरजेक्शंस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रेबो, दैट वॉज ए ग्रेट शॉट। सेकेंड सेंटेंस इज Hooray, I have won. Third sentence is Alas, my bag is lost. Fourth sentence is Oh, I have lost the match. The words bravo, hooray, alas and oh are interjections. Bravo, hooray, alas, oh, ये सारे words interjections हैं. Each of them expresses a certain feeling. उनमें से सभी एक अचानक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। वे वर्ड्स जो अचानक स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। हियर इज द टेबल टू शो इंटरजेक्शंस एंड द फीलिंग्स दे एक्सप्रेस। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें इंटरजेक्शंस और फीलिंग्स को दिखाया गया है कि वे क्या एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन हुर्रे ग्रेट, इसका फीलिंग है हैप्पीनेस। अलास ओह नो, इसका फीलिंग है सारो आर अनहैप्पीनेस। ब्रेबो एक्सीलेंट, इसका फीलिंग है प्रेज। सम इंटरजेक्शंस आर ओनली साउंड वर्ड्स, कुछ इंटरजेक्शंस केवल साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे बू ओ आ आर सच इंटरजेक्शंस। दे डू नॉट हैव ए मीनिंग, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। Some interjections are meaningful words such as help, come on. कुछ interjection के meaning होते हैं जैसे help, come on. Sometimes interjections have more than one words. कभी कभी interjections एक से ज़्यादा word के होते हैं, for example well done, good heavens, etc. To remember, the punctuation mark used with interjections is an exclamation mark. Punctuation mark का use interjection के साथ किया जाता है जो एक exclamation mark के रूप में होता है। Exercise A. Match the following interjections with suitable sentences. नीचे दिए गए interjection को suitable sentences के साथ match कीजिए। Let's see exercise A. फर्स्ट इज हुर्रे। करेक्ट सेंटेंस इज डी, वी हैव ओन द क्विज। सेकेंड इज अलास। करेक्ट ऑप्शन इज सी, माई पेट डॉग इज लॉस्ट। थर्ड इज ओह। करेक्ट ऑप्शन इज बी, वी हैव लॉस्ट द मैच। फोर्थ इज ब्रेवो। करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट वॉज अ ग्रेट किक। Exercise B. Fill in the blanks with suitable interjections. Suitable interjections के साथ खाली जगह को फिल कीजिए। Let's see exercise B. First is Oh no, the baby is crying. Second is Excellent, you have done well. Third is Alas, this is a shocking news. Fourth is Oh, this story is disgusting. Fifth is Alas, I lost my purse. Sixth is Oh no, the injury is painful. Exercise C. Read the given situations and write a suitable interjection for each. नीचे दिए गए सिचुएशन को रीड कीजिए और प्रत्येक के लिए एक सुटेबल इंटरजेक्शन राइट कीजिए। फर्स्ट इज यू सी बेबी बर्ड्स इन अ नेस्ट, great. Second is you meet a classmate in the marketplace, great.
Third is you missed scoring a goal. Oh no. Fourth is you hear a melodious tune. Great. Now we will revise some important topics related to chapter. Interjections are the words that express sudden strong feelings. इंटरजेक्शंस वे वर्ड्स होते हैं जो अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. सम इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शंस आर हुर्रे, अलास, ब्रेवो एंड ओह. कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शंस हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओह हैं. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन डाउट सॉल्विंग सेशन. थैंक यू. हैव अ गुड डे. Thank you.